हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है, उन फौजी भाइयों के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी हमारे देश के लिए। पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे बहुत सारे पत्रकार भाइयों ने और मेरी बहुत सारी सहेलियों ने मुझे कहा कि मैं इस टॉपिक पर भी बात करूँ। बट जैसे कि मैं एक डिफेंस फैमिली से हूँ, मेरे पापा नेवी में थे, तो मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी तो मुझे रोना आ जाएगा। और स्क्रीन पर रोना धोना थोड़ा सही नहीं है, वो भी एक पत्रकार के लिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए। बट मेरे ऊपर प्रेशर था मेरे पत्रकार भाइयों का, पत्रकार बहनों का, तो आज वीडियो बना रही हूँ। हालांकि गला रुंधा हुआ है मेरा, बट फिर भी हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रही हूं। हमारे फौजी लगातार हमारे देश से जा रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ रहे हैं और परिवार रो रहे हैं, परिवारों का चिराग बुझ गया है। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों को क्या हो गया है, हमारी सरकार क्या कर रही है? अब तक 80,000 फौजी भाई देश से चले गए, 80,000 परिवार बेघर हो गए, 80,000 परिवार रो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम चाहे बीजेपी के टाइम क्या कुछ भी नहीं हुआ? मुझे समझ नहीं आता ये पार्टियां आखिर कर क्या रही हैं। 2019 में जो चुनाव आ रहा है, मेरी पार्टी, मेरा दल, मेरी सत्ता, मेरी सरकार, मेरा पैसा, हर कोई अपना फायदा सोच रहा है। पता है, आज मैंने मॉर्निंग में मनोज ठाकुर, एक फौजी भाई हैं, उनकी एक वीडियो सुनी। सुनकर मैं अपने एक पत्रकार भाई से इस बारे में डिस्कस कर रही थी तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि ये वीडियो मैं बनाऊं। उन्होंने कहा कि माँ, मैं इतनी दूर हूं, यहां कुछ भी नहीं दिखाई देता, लोग मुझे जब घर पर बुलाते हैं तो मेरे पास छुट्टी नहीं मिलती, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं चलता, 2 महीने, 4 महीने, कई बार 6 महीने भी हो जाते हैं। और ये सारी बातें रिलेट कर रही थी मैं अपने आप से। मेरे पिताजी नेवी में थे, डिफेंस में थे, हम लोगों के साथ भी यही होता था, पता नहीं कब आएंगे पापा, हम वेट करते थे पापा की। और एक चीज और है, जो मनोज ठाकुर थे उन्होंने ये कहा कि जब मैं घर जाता हूं तो मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार हमेशा ये पूछते हैं, कैंटीन का कार्ड है ना, ग्रोसरी मिल जाएगी, वाइन मिल जाएगी, क्योंकि वाइन कैंटीन में जो मिलती है वो ओरिजिनल होती है बिल्कुल, और उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा होता है, सुनने में आया है, बट आई डोंट नो। जो चीज है वो मैंने आज इस वीडियो में बिल्कुल हूबहू कही, जो मैंने सुना मेरे सराउंडिंग में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों से। मेरे दोस्त भी अक्सर पूछते हैं, तुम्हारे पापा का कार्ड है ना? हालांकि बहुत दुख की बात है, मेरे पापा हमारे साथ नहीं है। पता, मेरे पापा अक्सर कहते थे कि बेटा, जब मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया था, आज मैं एक अच्छी पत्रकार बन चुकी हूं, मुझे 7-8 साल हो गए हैं मेरे पेशे में, मेरे पापा ने स्टार्टिंग में मुझे कहा था कि मैं डिफेंस में हूं और मेरा बेटा, मेरे पापा मुझे कभी बेटी नहीं बोलते थे, हमेशा बेटा बोलते थे, और मेरा बेटा जर्नलिज्म में गया है, ये भी एक एडवेंचरस फील्ड है। और हाँ, होता भी था, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम होता था ना तो हम न्यूज लेकर आते ही थे, हम पर प्रेशर बनाया जाता था। और ऐसे ही सेना पे भी प्रेशर होता है, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे कभी भी उन्हें उठा दिया जाता है, सामना करना पड़ता है पाकिस्तानियों का। और अब जो इतनी दुखद घटना हुई हमारे देश में, तो क्या क्या मुआवजा दिया गया? कुछ मुआवजा देकर अपना पीछा छुटा लिया इन पार्टियों ने, उनका दुख नहीं समझा? अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस चीज को लेकर के, और बीजेपी को तो देखो क्या कर रही है, अपनी रैलियां है ना, और जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी तब आप सब ने देखा था ना, कोई अपने फोन में लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, मतलब
देश के जवान गए तो गए, वो क्या फालतू हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं थी या उनका कोई मन नहीं था या उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी। कितना मुश्किल होता है अपनी इच्छाओं को दबा कर रखना, अपनी फैमिली को छोड़कर आपके देश की सीमा की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, और आप एक श्रद्धांजलि देते टाइम अपने आप को इतना व्यस्त दिखा रही हैं, कोई तो अपनी रैली निकाल रहा है, कोई अपने फोन पर बिजी है। यहां मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम मेंशन नहीं करूंगी, जो मेरी ये स्पीच सुन रहा होगा उसको अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूं, किन पार्टियों के बारे में बात कर रही हूं। हालांकि मैं एक पत्रकार हूं, प्रेस की स्वतंत्रता है मुझे, मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ है, मीडिया को पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है किसी भी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती अपनी इस वीडियो में कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बोलना चाहती हूं, क्योंकि सवाल उठते हुए ना एक मिनट लगता है। लेकिन वहीं अगर कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के लिए कुछ बोल देता ना, तब उसको इतना नहीं उछाला जाता जब एक पत्रकार की किसी एक बात को उछाल दिया जाता है या एक स्ट्राइक दे दी जाती है उसे। एनीवे, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगी, जो मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ डिफेंस और डिफेंस फैमिली के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की सेना कितना कुछ करती है हम देशों के लिए। आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, अपना फेस्टिवल बना रहे हो, अपनी शादियों में जा रहे हो, कितने सारे नौजवान भाई ऐसे होते हैं जिनकी शादी होती है, शादी के दूसरे दिन वापस चले जाते हैं सेना की सीमा की सुरक्षा करने के लिए। उनके परिवार कितना कुछ करते हैं, और मुआवजे के तौर पर हमारी सरकार ने क्या किया उन परिवारों के साथ, जिनके इंसान, जिनके पापा, जिनके भाई, जिन्होंने हमारे देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। अगर आप राजनीतिक पार्टियों का कोई एक ऐसा शख्स होता ना, तब आपको पता चलता, और शायद पता भी नहीं चलता क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ फायदा चाहिए ना, आप राजनीतिक पार्टियों को। 2019 में जो चुनाव होने हैं उसमें हमारी सत्ता कैसे होगी, हमारी सरकार कैसे आएगी, हमें लाभ कैसे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के बारे में ध्यान दिया जा रहा है, इस चीज के बारे में ही आपका एक विचार है कि कैसे मिलेगी हमें अपनी गद्दी। इस बार मुझे इतना मैं अपने तहे दिल से कह रही हूं, इतना ज्यादा दुख है ना अपनी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के, इवन मेरे को अपने देश को लेकर के, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे देश की दिशा क्या है, कितना बदनाम हो रहा है हमारा देश, दूसरे देश के लोग हमारे देश के बारे में कितनी खिल्ली उड़ा रहे हैं। कभी भी ये राजनीतिक पार्टियां नहीं सोच रही, सिर्फ एक आम इंसान मेरी तरह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फौजी भाई अपलोड कर रहे हैं, मनोज ठाकुर फौजी भाई ने भी अपनी वीडियो अपलोड करी है, बहुत सारे फौजी हैं जिनकी वीडियो मैंने अपलोड करी। यहां मैं सिर्फ मनोज ठाकुर जो हमारे फौजी भाई हैं उन्हीं को ही आगे नहीं ला रही हूं, मेरे को उनका नाम याद रह गया तो मैंने इस वीडियो में बोल दिया। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जो हमारे फौजी भाइयों ने बोली है, मैंने कल भी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा था कि हमें मोदी जी एक बार छूट दे दो, हम उनकी सीमा में जाएंगे, पाकिस्तान की सीमा में जाएंगे, और उन लोगों उन्होंने हमारे 40 लोग मारे हैं, हम उनके 400 लोगों को मार के आएंगे। तो क्यों नहीं दे रहे हो मोदी जी, आप कहाँ हो? अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो कुछ कीजिए हमारे देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के बारे में मत सोचिए। रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब अपने बारे में सोचते हैं, आप भी अपने बारे में सोच रहे हो, कैंटीन का कार्ड आ गया, भाई तू कब जाएगा, किसी को मतलब नहीं है फौजी से। फौजी का दर्द, दुख दर्द कब सुनती हो, सिर्फ एक श्रद्धांजलि दे दी जाती है और दुनिया को दिखा दिया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं हम मीडिया वाले चैनलों में बड़ी बड़ी न्यूज दिखाकर, लेकिन असली दर्द डिफेंस समझती है और डिफेंस फैमिली, और दोनों ही कुछ नहीं कर पाती, दोनों ही दुख के अलावा कुछ नहीं सहन कर सकती। अगर कोई कुछ कर सकता है तो राजनीतिक पार्टियां, हमारी सरकार और हमारा संविधान। हमारे संविधान से मेरी गुजारिश है, जो हमारा चुनाव आयोग है, जो हमारी कार्यपालिका है, विधानपालिका है, न्यायपालिका है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ कीजिए फौजी भाइयों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, कि वो तो चले गए लेकिन उनको जो मुआवजा दिया गया है इस टाइम वो बहुत ही कम है, और कुछ संविधान में
कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ऐसे लागू कर दीजिए, कुछ हमारी जो धाराएं हैं उनके अंदर कुछ बदलाव कीजिए जिसमें सेना को एक अलग कैटेगरी में रखा जाए, उन्हें मुआवजा मुआवजे के रूप में कुछ अलग सुविधाएं दी जाएं और उनके लिए सुविधाओं के साथ साथ उनके बच्चे, उनकी पत्नियों, उनकी बहनों और उनके भाइयों के लिए अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। मुझे बहुत दुख है, हमारा देश क्या है, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां क्या हैं, उनकी सोच क्या है, बहुत बहुत ज्यादा दुख है। और हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं सिर्फ यही बोलूंगी, कब जागेंगी हमारी ये राजनीतिक पार्टियां, इस चीज का पूरे मीडिया को इंतजार है, पूरी प्रेस को इंतजार है, पूरे न्यूज़पेपर को इंतजार है और सबसे ज्यादा इंतजार है इस देश की जनता को। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी एक पार्टी की विचारधारा रखते हैं, कुछ टाइम बाद उस वही विचारधारा रखने वाले लोग दूसरी पार्टी की विचारधारा रख लेते हैं। बहुत दुखद एक्सपीरियंस होता है ना ये। खैर, इस बात पर मैं नहीं जाना चाहती हूं, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि प्लीज जाग जाइए। आज की वीडियो यहीं तक, नई वीडियो बहुत जल्दी तक आएगी।